नमस्कार दोस्तों, आपका gkt20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक एक, भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए भरत चक्रवर्ती, बी हिंदुस्तान, सी सिंधु शब्द से, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु शब्द से। प्रश्न क्रमांक दो, भारत खंड भारत का क्या कहलाता है? ए दूसरा नाम, बी राष्ट्र, सी सभ्यता, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दूसरा नाम। प्रश्न क्रमांक तीन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ए आर्थिक प्रगति, बी ऋण, सी आर्थिक सुधार, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋण। प्रश्न क्रमांक चार, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, या डी गोवा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम। प्रश्न क्रमांक पांच, प्रथम भारतीय रंगी फिल्म कौन सी है? ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी सीता विवाह, या डी सती सुलोचना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किशन कन्हैया। प्रश्न क्रमांक छह, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के भारतीय विजेता? ए सत्यजीत राय, बी भानु अथैया, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी किरण बेदी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्यजीत राय। प्रश्न क्रमांक सात, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए सेब, बी आम, सी अनानास, या डी नारियल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आम। प्रश्न क्रमांक आठ, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, या डी हॉकी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हॉकी। प्रश्न क्रमांक नौ, भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, या डी तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान में। प्रश्न क्रमांक 10, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, या डी झारखंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 11, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ए 10%, बी 4.5%, सी 6%, या डी 6.9%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6%। प्रश्न क्रमांक 12, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गंगा, या डी गोदावरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा नदी। प्रश्न क्रमांक 13, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, या डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए चिनाब, बी रावी, सी सतलज, या डी व्यास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सतलज नदी का। प्रश्न क्रमांक 15, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है? ए पुष्कर, बी लोकटक, सी वुलर, या डी डल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वुलर झील। प्रश्न क्रमांक 16, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, या डी पंजाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्रमांक 17, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी राजस्थान, या डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है? ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, या डी देहरादून में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। प्रश्न क्रमांक 19, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ए तराई, बी रेगुड़, सी बांगर, या डी खादर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, या डी चना।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चावल।